हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। तो आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में, जैसे आप सब लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो 2-3 पार्ट हमने पहले कर लिए हैं, आज ये फोर्थ पार्ट रहेगा। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, आगे फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ सांख्यिकी किसे बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वैसे आप लोगों ने मैथ्स में 10th क्लास में आप करके आए हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, ये चैप्टर था, मैं आप को यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम एक सामान्य मनुष्य को इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि सांख्यिकी क्या है, वह उसका उत्तर सरलता से इस प्रकार दे सकता है, सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उससे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष। सिंपली इन इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिलेशन टू डिफरेंट फिनोमिना। सिंपल बात यह है कि अगर मान लो मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे एरिया में जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, जैसे हमारे एरिया में गर्ल्स जो हैं वो 30% एजुकेटेड हैं, ठीक है, 30% एजुकेटेड हैं, जो बॉयज़ हैं वो 70% एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने कहीं डाटा कलेक्ट किया है ना। तो अगर मैं सिंपली ये बोलती कि हमारे जो घर है उसके अंदर 2 लड़कियां एजुकेटेड हैं और जो बॉय हैं उसमें 5 लड़कियां एजुकेटेड हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जब हम ब्रॉड वे पे, जब हम बड़े लेवल पर डाटा इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसको हम नंबर्स की फॉर्म दे देते हैं, नंबर्स की फॉर्म। जैसे मैंने बोला 30% जो है वो गर्ल्स हैं इंडिया में एजुकेटेड, अब इंडिया की बात आई, उसके बाद मैंने बोला 70% जो है वो बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर इंडिया की पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात आई है ना, पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात आई है। तो इसी को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है सिंपल भाषा में, जब हम उनको नंबर्स की फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है बच्चे, ओके, तो आई थिंक ये समझ आ गया है। और इसके बाद में आगे क्या बोलेंगे, जो इनकी डिफाइंस होती हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, डिफाइन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिंपली ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, जो सांख्यिकी नहीं है, मतलब कि डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, और डाटा विच आर स्टैटिस्टिक्स मतलब कि गाय की 4 टांगे हैं, इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसमें कोई डाटा नहीं है, सिंपल एक लाइन है। भारत में 26 वर्ष से ऊपर की आयु के युवकों की औसत ऊंचाई 6 फीट है, जबकि नेपाल में 5 फीट है। अब देखिए ये डाटा है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक ब्रॉड लेवल पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो ये इसको हमने लाइन की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में अगर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके बच्चे, ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाऊंगी, मैं आप लोगों को उसको ये नहीं बोलूंगी कि लाइन को रटो, सिर्फ उसको समझो और अपने लैंग्वेज यूज़ करो। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे कि रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, जब तक आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा आप उसको नहीं लिख सकते, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हो, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये देखिए, ये एग्जांपल्स दिए थे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चे, तो डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम पे, अभी तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डेफिनेशन की एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको जो इसका लिखने वाला है उसका नाम, और जो ये आपको आगे की लाइन्स होती हैं ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, एज इट इज़ वही डेफिनेशन कहलाती है, क्योंकि ये किसी और की लैंग्वेज है, हम किसी और की लैंग्वेज को लिख रहे हैं, तो उसने जो चीज़ लैंग्वेज लिखी थी हमें तो उसी के टोन में लिखना है ना, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस एज ए न्यूमेरिकल डाटा, मतलब कि सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा एवं समंकों के रूप में विशेषताएं। सिंपली अगर बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है ना, किस तरीके से, तो क्या क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के समूह, मतलब एक अकेली संख्या समंक नहीं कहलाती क्योंकि उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, अनेक तथ्यों से संबंधित, ये बोल रहे हैं, अनेक तथ्यों से संबंधित सांख्यिकी जो है उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनकी ये आगे जो है थोड़ा सा ब्लरिंग है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं आपको नॉर्मली इसी को समझा देती हूँ कि सिंपल ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तथ्यों में जो है इसके अंदर फैक्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 30% बॉय हैं, 70% गर्ल्स हैं अगर इंडिया की, ऐसे करके अगर एग्जाम्पल दूंगी तो वो क्या है, वो एक फैक्ट है, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड करी है मैंने। ठीक है ना, और सेकेंड में आ जाता है संख्याओं के, संख्याओं को व्यक्त करा है इसके अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया है, मतलब 30% 70% ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ये न्यूमेरिकली है ना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, तो वो चीज़ बताई गई है। उसके बाद बोला है अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ केसेस, तो आगे ये बोल रहे हैं कि बल्कि अनेक प्रकार के कारणों का इस पर प्रभाव पड़ता है, यदि आंकड़े एक कारण से प्रभावित होते हैं तो उस कारण को हटाने के बाद भी सामान्य हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, और 30% की वृद्धि सोचते हैं, जैसे पूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि, और नॉर्मली इन्होंने बोला है कि अनेक जो कारण हैं उनसे ये प्रभावित होती है। ठीक है,
अनेक कारणों से प्रभावित का मतलब सिंपली यही है कि बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर गलत है तो मतलब आपका पूरा फैक्ट वो गलत हो जाता है। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको बदल कर उस फैक्ट को ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है ओके। उसके बाद में उचित मात्रा में शुद्धता, तो यहाँ पर आ जाता है रीजनेबल एक्यूरेसी, सांख्यिकी से एक मात्र एकत्रित करते समय शुद्धता के एक उचित स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। यह शुद्धता अनुसंधान से उद्देश्य, उसकी पूर्ति, आकार व उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। उचित मात्रा में शुद्धता का मतलब सिंपली बच्चे यहाँ पर ये है कि जो करवाई जा रही है चीज़, मतलब जो चीज़ हम लोग शो कर रहे हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स, उस वो चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर वो ठीक होती भी है, क्योंकि वहाँ फैक्ट होते हैं, वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो डाटा के फॉर्म में दी जाती है, तो इसलिए ठीक है। उसके बाद में एक दूसरे संबंधित रूप में होना, एक दूसरे संबंधित रूप में तो होती हैं वो, क्योंकि जैसे अगर हम पॉपुलेशन के वहाँ पर डाटा दे रहे हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, और जो फीमेल्स हैं और एडल्ट्स हैं वो कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ कितने हैं, तो वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड होती ही हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप कर सकते हैं पूर्व निश्चित उद्देश्य, पूर्व निश्चित उद्देश्य से यहाँ पर मतलब है प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब कि सिंपली अगर यहाँ पर बोला जाता है कि जो डाटा यहाँ पर दिया गया है वो पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स होने के बाद ही डाटा की फॉर्म में दी जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है पहले से उनको पता होती है कि ये हम चीज़ बता रहे हैं तो उसको डाटा की फॉर्म में देना है, तो वो पहले से सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद ही उसको डाटा की फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में गणना तथा अनुमान, गणना तथा अनुमान का मतलब है कि एस्टिमेटेड करते हैं उसके अंदर, एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि इतना परसेंट जो है वो डाटा है या फिर इतना है ही है, ऐसा नहीं। अब मैंने 30% और 70% बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30% ही होगा, वो 31% भी हो सकता है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट के रूप में हम इसको गणना करते हैं, मतलब इसको डाटा की फॉर्म में डालते हैं, ठीक है बच्चे ओके। और इसके अलावा शायद एक पॉइंट और था, व्यवस्थित रूप से संकलित, व्यवस्थित रूप से मतलब की है सिस्टमेटिक मैनर्स के साथ होता है, मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया था उसी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, चिल्ड्रन इतने हैं, एडल्ट्स इतने हैं, तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक टेबल बना के सारी चीज़ें होती हैं। 10th में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर करा है ना, उसमें आप लोगों ने देखा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, बहुत अच्छे से फार्मूला यूज़ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत सिस्टमेटिक वे के साथ ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, और जितना हो सकता है बेटा इकोनॉमिक्स को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, एकदम फ्रैंकली वे में पढ़ने की कोशिश करें, और फ्रैंकली वे में ही लिखना है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो कोई भी टीचर गलत नहीं करता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन का क्वेश्चन है और आप उसके अंदर प्रोडक्शन की जगह आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की डिफाइन लिख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चीज़ है वो गलत है। अगर प्रोडक्शन पूछी गई है तो प्रोडक्शन ही लिखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर काम कीजिएगा, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आराम आराम से पढ़ते हुए हम चलेंगे, आराम से सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।